एवरीवन, वेलकम टू अलीजा व्लॉग्स। आज अलीजा आपके लिए पिज़्ज़ा डो रेसिपी लाई है जिससे आप मिनी पिज़्ज़ा, लार्ज पिज़्ज़ा इजीली मेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा डो रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं फ्लावर ले रही हूँ 1 kg, और फ्लावर के अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 tablespoon। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ईस्ट आप 500 ग्राम यूज़ कीजिए ताकि ईजीली हमारा जो पिज़्ज़ा डो के अंदर खमीर है वो अच्छा बन सके। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ईस्ट 500 ग्राम, और इसके बाद मैं आप इसे मिक्स कर लीजिए पहले सॉल्ट और ईस्ट को। फिर जब आप मिक्स कर लेंगे इसके बाद आप ऐड करें ऑयल 2 tablespoon, और फिर दोबारा आप इसे मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप इसमें वार्म वाटर यूज़ कीजिए ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा डो है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट बन सके। मैं वार्म वाटर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शुगर 2 tablespoon डाल दीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये वार्म वाटर ही यूज़ कीजिएगा आप। इसमें 1 cup हम शुगर वाला ही ऐड कर रहे हैं, और 2nd जब हम कप लेंगे वो बिल्कुल सिंपल होगा, बिल्कुल प्लेन वाटर। और आप इसे अच्छे से गून लें। गूनने के बाद आप इसे तकरीबन 2 hours के लिए रख दें, जब तक ये डबल ना हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल ख़मीर ना बन जाए, तब तक आप इसे एक अच्छे से पैक करके या किसी बॉक्स में या प्लास्टिक के किसी बॉक्स में रखेंगे तो उससे क्या होता है ख़मीर अच्छा बनता है प्लास्टिक के बॉक्स में, या रैप कर दें उसको अच्छे से। देखिए मैंने रैप कर दिया और 2 hours बाद मैं ओपन कर रही हूँ, ये देखें डबल हो चुका है हमारा ख़मीर, बहुत अच्छा बन चुका है। इससे ये होगा हमारा जो मिनी पिज़्ज़ा है या लार्ज पिज़्ज़ा अगर हम बनाना चाहें तो बहुत अच्छा बनेगा। और आप मेरे चैनल पे विज़िट करके मेरी फुल रेसिपी भी पिज़्ज़ा की देख सकते हैं, वो भी मैंने डाली हुई है। और आप देख रहे हैं मैं इसे दोबारा थोड़ा सा वापस गूंद रही हूँ ताकि जो अगर थोड़ा सा ऑयल या आटा लगा के दोबारा से इसको डस्ट यानी कि मैंने करके दोबारा ही इसको एक बॉल नुमा बना दिया है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। थैंक यू।